एवडा कौन सा नहीं है सैनी का नाम तक नहीं है वो हमने पहले स्ट्रीम कर रखा सैफ सैफ बुरा पुरुष तुम भी हो ना भाई बुरा पुरुष तुम भी हो यार तो उसका नाम सैफ है और ये मैच स्टार्ट हो चुका है लेई बुलोंग वर्सेस ब्रायन बहुत ही बढ़िया क्लासिक मैचअप ये बहुत ही पुराने कैरेक्टर्स हैं टेकन 3 के और सैफ लिया ना ब्रायन भी अरे सर भाटी थी ठीक है और लेई बुलोंग काफी मजेदार कैरेक्टर है अगर आप लेई बुलोंग को कंट्रोल कर लेते हैं एडी को कंट्रोल कर लेते हैं तो सामने वाले के नाक में दर्द हो जाता है पेन इन द एस डेफिनेटली और अच्छी बात भी है कि लेई बुलोंग कोई नए कैरेक्टर्स जो लेगेसी कैरेक्टर्स हैं वो टेकन 7 में वापस आ गए हैं तो इट्स अ गुड मुझे तो बहुत ही खुशी है बिल्कुल और बहुत लोगों को काफी मतलब इसका एक एंटीसिपेशन एक वेट था कि ये कैरेक्टर आएगा और ही इज फाइनली हियर रेस ड्राइव भी हुआ पर लेई बुलोंग पनिश नहीं कर पाया इसका सबसे बढ़िया 443 लॉन्चर है दूर का लॉन्चर पर फिर भी जीत गया कोई बात नहीं देखते हैं सैफ गेम पैड से खेलते हुए गेम पैड कंट्रोलर अनसेफ उसमें गए और फिर से एक अनसेफ लो चलाया रिस्क पे रिस्क ले रहे हैं कोई बात नहीं स्टैंड से निकलते ही स्नेक एज खाया और वॉल थोड़ी दूर है एक बहुत ही बढ़िया स्नेक एज ब्लॉक स्क्रू अच्छा एंडर जो कि हालांकि ले बुलोंग का ज़्यादा ऑप्शन नहीं है एंडर के क्रॉसअप बहुत बढ़िया ब्लॉक क्लच ब्लॉक माइनस 14 को पनिश किया 11 फ्रेम के मूव से सो थोड़ा वन साइड मैच लग रहा है मुझे बिकॉज काफ़ी नए मूव्स के साथ सैफ खेल रहे हैं और काफ़ी अच्छा गेम प्ले भी लग रहा है मूव्स तो पुराने हैं पर ले बुलोंग उतना कॉमन नहीं है जितना ही आईसी डेविल जिन किंग और पॉल है बिल्कुल पर मुझे इनका लई थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कह रहा हूँ थोड़ा सा यूनिक सा लगा बिकॉज जिस हिसाब से वो मूवमेंट कर रहे हैं एक बुलोंग की वो ट्रेडिशनल स्टाइल में तो नहीं कर रहे पर कहीं ना कहीं वो न्यू एज सी चीज़ लग रही है कि हॉरिंग एडी और जितने भी स्टैंड कैरेक्टर्स होते हैं वो सबके लिए यूनिक होते हैं आपका हॉरिंग एडी अलग खेलता होगा मेरे से और मेरा हॉरिंग एडी आपके हॉरिंग एडी से अलग खेलता होगा 150-150 मूव है इन कैरेक्टर्सों के पास तो वी कैन बी क्रिएटिव एट एनी टाइम एट एनी पॉइंट ऑफ द टाइम डेफिनेटली और ये 1-0 से आगे हो गए हैं सेकंड राउंड हमारा बहुत जल्दी होने को गोरखपुर से सैफ लेई बुलोंग जैकी चैन का एक अवतार अच्छा स्पाइक कॉम्बो और हा हा स्टेप का छोटा सा प्रदर्शन हा हा स्टेप ही नहीं कह सकते इसको कभी विफ कराने के लिए काफी अब बहुत बढ़िया डीएफ टू बैक टू फोर कॉम्बोस स्क्रू कराया ऑकवर्ड दीवार पोजीशन बॉल पोजीशन मिली बढ़िया वे बहुत बढ़िया डक बहुत बढ़िया बैट के मेड थोड़ा रिस्की क्रेन स्टैंड में चले गए थे जिसमें ऑटो लो पैरी होता है फिर मिड मारा लो का डर मिड का डर और रेप स्वीप ब्लॉक हो गई थी उस समय और एक कॉम्बो मिस पर फिर भी डाउन 3-2 आखिरकार लगी गया ज्यादा अनसेफ खेलने की भी जरूरत नहीं है लेई बुलोंग से थोड़ा फंडामेंटल खेलना पड़ेगा और ये नाच दिखा रहे हैं लेई बुलोंग से प्ले डेट करते ही तुरंत उठ जाते हैं कभी प्ले डेट करके लेटे रहते हैं पर कब तक लेटे रहेंगे ब्रायन उसे उठाई देगा फिर मिड मारा ये बार बार यही मिड खा रहे हैं बैट बैठ के एक हाई मूव मारा सेफ बढ़िया इस बार अच्छी अच्छा किया कि विफ पहचाना और लो कमिट करके एक लॉन्चर निकाला गोरखपुर के लिए एक अच्छी बात कि सैफ बने हुए हैं विनर्स में और साइलेंट फ्यूरी हैरान परेशान कि कौन है लेई बुलोंग इस टाइम बहुत ज़्यादा खतरनाक नजर आ रहा है मेरे को बिकॉज जो कॉम्बो सिलेक्शन जो ये यूज कर रहे हैं काफ़ी हाई डैमेजिंग है और हाई रिवॉर्डिंग भी है खासकर कि स्नेक एज देख के ब्लॉक कर ले रहे हैं ब्रायन प्लेयर को थोड़ा सा सेफ खेलना चाहिए बिकॉज यहाँ पर इनकी फोक जो है वो थोड़ा सा और सेफ इसलिए भी खेलना चाहिए या एग्रेसिव खेलना चाहिए मैं तो कहूँगा उल्टा क्योंकि
ये हारने वाले हैं और लूजर्स में जाने वाले हैं। बढ़िया टू टू स्क्रू कॉम्बो, ये मूव लेवलॉन्ग को इसमें नहीं मिली है। और ये नाच दिखाते हुए लेवलॉन्ग अच्छा अच्छा वेव कराया, जाल बिछाया, रनिंग थ्री भी हो गया और एक सीधे सीधे एक लो लॉन्चर पर रनिंग थ्री कॉम्बो मिस, जिसका खाम एजर भुगतना पड़ा। मोमेंटम चिप और ब्रायन और रेजर रश कॉम्बो, बढ़िया लो हाई। और ये बहुत ही शानदार एंडर